तो दोस्तों एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिंग एप्लीकेशन में काफी दिन से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों रिंग एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम देखने को और मिल गई है। अभी के अभी एक अपडेट आया था, वो अपडेट दोबारा से 2 दिन चलाया, दो दिन के बाद में वो अपडेट भगा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या अपडेट है और क्या है इसके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अगर दोस्तों आप रिंग एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो दोस्तों आप जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी प्रॉब्लम कर रही है रिंग एप्लीकेशन। पहले तो इतनी बेस्ट थी कि सबसे बेस्ट रिंग एप्लीकेशन ही थी। अब दोस्तों क्या कर रही है, काफी काफी बंदों से तो क्या कर रही है कि अगर उनकी 2000 रुपए की लिमिट है तो दोस्तों उनसे दोस्तों 700-800 रुपए तक ही चार्ज कर रही है। यानी दोस्तों जहां पर 20-30 रुपए लेती थी वहां पर अब ये 700-800 रुपए चार्ज कर रही है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सभी के पास में पेमेंट फेल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास में ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी लिमिट उनको मिल तो गई है। अगर दोस्तों उन्होंने बिल भी पेमेंट कर दिया है तो दोस्तों दो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक तो उनका पेमेंट बाहर नहीं निकल रहा है कि दोस्तों उनकी लिमिट फेल हो रही है। जैसे ही वो स्कैन करते हैं उनका जो भी पेमेंट होता है वो फेल हो जाता है, चाहे वो मर्चेंट के क्यूआर कोड पे करे या फिर किसी अदर के पास करे, चाहे किसी के भी पास भी कर रहा है तो दोस्तों उसका लिमिट उसका जो भी उसका पेमेंट है वो फेल हो जा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। पहले क्या होता था कि रिंग मर्चेंट के क्यूआर कोड पर ही करनी होती थी, बट अब क्या हो रहा है कि उस पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पेमेंट उनका फेल हो रहा है। ये तो मेरे को पता है कि उन्होंने कोई टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से वो पेमेंट फेल हो रहा है। अब दोस्तों उन्होंने एक अपडेट दिया था जिस अपडेट में ये था कि आप बिल पेमेंट कर सकते हो, यानी कि दोस्तों फास्टैग या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी दोस्तों उन्होंने बहुत सारे अपडेट दिए थे जिसकी सहायता से आप अपना जो भी आपकी लिमिट है उसको यूज कर सकते हो। बट हुआ क्या, वो 2 दिन ही एक्टिव रहा है। फास्टैग की मदद से हम अपनी लिमिट को बाहर निकाल रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कि फास्टैग की मदद से आप अपनी लिमिट को विड्रॉ कर सकते हो। बट हुआ क्या, उसके बाद में उसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उससे अगले दिन वो रिमूव कर दिया गया है, फास्टैग भी रिमूव कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी तरीका नहीं बचा हुआ है जिस तरीके से आप अपनी लिमिट को यूज कर पाओ, यानी कि दोस्तों अपनी लिमिट को आप बैंक में ले पाओ। अब दोस्तों बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं बचा है कि आप किसी भी तरीके से उसकी लिमिट को यूज कर पाओ। अब दोस्तों एक ही तरीका बचा है कि आप वेट कर सकते हो ओनली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बहुत बंदों के साथ फ्रॉड हो रहा है, पता नहीं कैसे फ्रॉड हो रहा है, वो यार लिमिट कैसे निकाल रहे हैं, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मेरे पास में कमेंट आपके पास भी वीडियो में इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी मिल जाएंगे कि हमारे पैसे दीजिए। भाई हमने नहीं आपके पैसे चुराए हैं। और पहले तो बात यह कि पैसे निकल कैसे रहे हैं भाई, अभी तो इसने किसी के भी पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो भाई आपके साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं यार आप अगर फ्रॉड हो भी रहा है तो भाई टेलीग्राम पे क्यों देते हो किसी को ओटीपी। भाई मैं हर एक वीडियो में अपनी बताता हूँ कि टेलीग्राम पर अपने किसी को भी ओटीपी शेयर मत करो, अपना मोबाइल नंबर शेयर मत करो, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रह जाता है। अगर दोस्तों वहां पर आप ओटीपी दे देते हो तो दोस्तों वो हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं, आपके पास में उनका कोई भी प्रूफ नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, किसी को भी आपको टेलीग्राम पर आपको ओटीपी वगैरह नहीं देना है। किसी के साथ भी फ्रॉड हो जाता है और मेरे नाम से फ्रॉड हो रहा है। अब बंदे मेरे पास में कस्टमर मेरे पास में फोन करते हैं, कॉल करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बाद में करते हैं। यानी दोस्तों अगर आप पहले कर लो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो आपके साथ फ्रॉड ही नहीं होगा। और मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा आपसे बोले कि लिमिट बढ़ानी है या फिर लिमिट निकलवानी है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ध्यान देना रखना है कि बिल्कुल भी अभी किसी का भी पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर वो कर भी रहे हैं तो दोस्तों वो फ्रॉड है। अगर वो बोल रहा है कि मैं आपकी लिमिट निकाल दूंगा तो वो फ्रॉड है 100%ली। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और ये फास्टैग का रिमूव ऑप्शन तो रिमूव कर दिया है, अब दोस्तों आपको सिर्फ आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।